आप सभी का स्वागत है हमारे बॉलीवुड पैसेंजर में। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की आई फिल्म ओ माई गॉड ओ एम जी 2 में से क्यों परेश रावल को किया गया किनारा। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अक्षय कुमार की फिल्म ओ एम जी 2 का शानदार टीजर 11 जुलाई को रिलीज कर दिया गया। इस फिल्म में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी नजर आ रहे हैं। ये फिल्म ओ एम जी का सिक्कल है जिसमें अक्षय कुमार के साथ एक्टर परवेश रावल आए थे, वो इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस बार परवेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने ली है। ओ एम जी 2 का टीजर देखने के बाद परेश के फैंस ने उन्हें काफी मिस भी किया। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों परेश ओ माई गॉड 2 में नहीं है। ओ माई गॉड 2 जब घोषणा हुई थी तब बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में परेश रावल ने कहा था कि मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहा। मेरे लिए कोई भी सिक्कल बनना मुझे एक कैरेक्टर के नाते मजा नहीं आ रहा, तो मैंने भी मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे लिए कोई सिक्कल अगला नहीं होगा। फिल्म के टीजर में आस्तिक और नास्तिक, भगवान और आस्था पर चर्चा की गई है। पूरे टीजर के दौरान हर हर महादेव और जय महाकाल जैसे जयकारे गूंज रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका में नजर आएंगे। टीजर में वह भगवान शिव की पूजा पाठ में डूबे पंकज त्रिपाठी को साक्षात दर्शन देते नजर आ रहे हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म का सब्जेक्ट यौन शिक्षा पर आधारित होगा। फिल्म कथित तौर पर कोर्टरूम ड्रामा होगी जिसमें एक नागरिक कोर्ट में जाता है और स्कूल में यौन शिक्षा की अनिवार्य करने की मांग करता है। ये फिल्म 11 अगस्त को पर्दे पर रिलीज की जाएगी। आपको क्या लगता है, पंकज त्रिपाठी परवेश रावल की जगह अच्छे लग रहे हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।